ये ऊपर की बैटिंग है और ये नीचे की। देख 38206 जो के फरीद एक्सप्रेस को लेट लीड करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने HGMU 30R, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आशीष यूसुफी पार्क ट्रेन ब्लॉग चैनल के साथ। तो आज मैं मौजूद हूँ कराची सिटी रेलवे स्टेशन पे। तो आज तारीख है 18/4/2023 और आज पाकिस्तान रेलवेज की फर्स्ट ईद स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी जाएगी। तो मैं अभी मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं सिटी रेलवे स्टेशन पे। पीछे में आप हबीब बैंक की बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी और अभी देखते हैं कि रेक प्लेस हुआ या नहीं हुआ ईद स्पेशल ट्रेन का। तो आइए चलते हैं आगे, तो मेरे साथ रहिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएगा। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने, ये रहा ईद स्पेशल ट्रेन का रेक जो कि 17 कोचेस में मुश्तमिल है। टोटल इकोनॉमी क्लास का रेक है और आप सामने इस मोहसिन भाई, इस पंकी भाई को भी देख सकते होंगे जो कि आज कवरेज करने आए हैं। तो दोस्तों इसका जो है आपको मैं आपको रन भी करके दिखाऊंगा लांडी रेलवे स्टेशन तक, और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी ट्रेन बनाई गई है। साफ़ सुथरी इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं, तकरीबन 17 कोचेज़ इसमें लगाई गई हैं और बहुत सी मीडिया की टीम और सब जो है इसको कवरेज करने आए हैं और सिक्योरिटी का तो यहाँ पर सख्त इंतज़ाम है। तो दोस्तों चलते हैं आगे अपने लोकोमोटिव की जानिब और इकॉनमी क्लास का मैं आपको रिव्यू क्या करूँ, सारी एक जैसी है, CFI और CNR मिक्स। तो ये है कि अब जो है चलते हैं अपने लोकोमोटिव के पास और देखते हैं इसमें कौन सा लोकोमोटिव लगाया गया है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों इतनी बात कर ली तो आइए ट्रेन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये ट्रेन जो है कराची से चलेगी और रावलपिंडी अपना सफ़र इख्तिताम करेगी। ये वाया फैसलाबाद से होती ही वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से कनेक्ट होकर जो है रावलपिंडी जो है पहुँचेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, तमाम जो है इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं। अभी हम जा रहे हैं अपना लोकोमोटिव के जाने पर, उसके स्टॉपेजेस और सब कुछ जो है, फेयर मेरा अभी कंफर्म नहीं है इसमें कम है या नहीं, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कंफर्म करके। तो आइए चलते हैं लोकोमोटिव के जाने, देखते हैं इसमें कौन सा लोकोमोटिव लगाया और ट्रेन का चलने का भी वक्त हो गया है। तो बगैर इससे पहले ट्रेन चलते, तो आइए चलें लोकोमोटिव के जाने पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने HGMU 30 आज जो है पहली ईद स्पेशल ट्रेन को जो है वो रन करेगा। HGMU 30R 8220 लोकोमोटिव जो कि एक बहुत पावरफुल लोकोमोटिव है। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ HGMU 30 में, फर्स्ट ईद स्पेशल ट्रेन के जो है ड्राइवर साहब से भी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो आप ये मुझे बताएं कि आपको ही, आप पहले वाहिद जो है ड्राइवर हैं जिसको सारी स्पेशल ट्रेन, चाहे ग्रीन लाइन का ट्रायल हो गया कोचेस का या ग्रीन लाइन को लीड करने के लिए हो गया पहली जब वो चली थी, इसके अलावा फेड ट्रेन आपको ही मिलती है, मतलब सारी ट्रेन जो है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, बात यह है कि अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानियाँ हैं। मैं इस कराची के अंदर सीनियर पहली बात है इंतजामिया जो है सीनियर मोस्ट और सूटेबल ड्राइवर्स को लाइक करती है ताकि वो जो है वो स्पेशल ट्रेन को वर्क करें ताकि उस मंजिल मकसूद का खैरियत से पहुँचा सकें। तो ये मेरे लिए एजाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह के ज़ात का कि मैं हर स्पेशल ट्रेन को वर्क करता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खैर वाफ़ियत से अपनी मंजिल तक पहुँचा हूँ। अब तो हम रेल फैंस और सारे रेलवेज को भी पता चल गया कि कोई भी नई ट्रेन चले तो उसमें हमेशा आपकी ड्यूटी लगेगी। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा है, तो इस ट्रेन के स्टॉपेजेस के हवाले से बता दीजिए और उसका रूट वगैरह। जनाब इसका रूट यहाँ से ये चलेगी सीधा पेशावर के लिए। सही सही जी हाँ, ये फर्स्ट ईद स्पेशल ट्रेन है जो इस तरह का है कि हमारे मिनिस्टर रेलवे साद रफीक ने जो 5 ट्रेनों का ऐलान किया था उनमें ये पहली ट्रेन जो है वो कराची से पेशावर पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। और इसका यहाँ से डिपार्चर जो है वो KYC से कराची सिटी से लिया हुआ है 6:30 में। जी जी। और इंशाल्लाह ताला इसका दूसरा स्टॉप जो है हमारा कैंट है और कैंट के बाद लांडी, लांडी और लांडी के बाद इंशाल्लाह ताला हैदराबाद। सही। और हैदराबाद के बाद नवाबशाह और नवाबशाह के बाद इंशाल्लाह रोड़ी, क्योंकि हमारी जो रिडक्शन हमारी वर्किंग जो है वो रोड़ी तक हो, रोड़ी तक है बिल्कुल। जाहिर बात है हम रोड़ी तक इंशाल्लाह ताला इस मंजिल अपना मुसाफरों खैर ऑफिस से पहुँचाएंगे अल्लाह की रजा से। सही।
और आगे फिर जाने वाला ड्राइवर अल्लाह अल्लाह का शुक्रिया कि तमाम मुसाफिरों को अपनी मदद करें। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बस ट्रेन का भी चलने का टाइम हो गया है तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पहली ईद स्पेशल ट्रेन जो कि कराची से निकल रही है, देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट ड्राइवर साहब जो है अपना हाथ हिला रहे हैं SGMU-30 की लीड के साथ। आज पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से निकलते हुए रावलपिंडी तक बजरिया फैसलाबाद 8220 जो है ट्रेन की लीड पर है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पहली हमारी ट्रेन आज की जो कि डिपार्ट कर रही है। तो आइए, हमें यहाँ से इस पे बैठकर जो है वो लांडी रेलवे स्टेशन जाना है, तो उसमें जल्दी से बोर्ड होते हैं। इससे पहले ये जो है वो चले पावर ऑन। तो आइए चलिए, इसमें जल्दी से बोर्ड होते हैं। दोस्तों, हमें रास्ते में ही मिल गया एक और SGMU-30 8206 जो कि फरीद एक्सप्रेस को लीड करने जा रहे हैं। ये रहा कराची सेट का SGMU-30 8206 जो कि फरीद एक्सप्रेस को लीड करने जा रहा है। मैं सवार हो गया ईद स्पेशल ट्रेन में, तो मैं यहाँ से कैंट रेलवे स्टेशन से, सॉरी सिटी से रेलवे स्टेशन से जाऊँगा लांडी रेलवे स्टेशन पर। और मैंने जो है CNR कोच इकोनॉमी क्लास में बैठ गया हूँ, तो आइए इसका छोटा सा आपको ओवरलुक भी करवाता हूँ। तो आइए दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो आइए मेरे साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रेन है इकोनॉमी क्लास, और ये रहा कुछ ऐसा दिखता है। फैन लगा हुआ है जो कि चल रहा है, और एक लाइट भी दी गई है। ये ऊपर की बैडिंग है और ये नीचे की, देख सकते हैं आप लोग। और ये रहा पूरा AC इकॉनमी क्लास का कोच। तो दोस्तों, बस कैंट रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो आइए इसके अलावा हम लोग रोज़ा भी खोलेंगे साथ साथ, तो मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, ईद स्पेशल ट्रेन अपना मुकर्रर वक्त पर कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है, और यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो कि इस ट्रेन में बोर्ड होने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। आवाम का रश आप लोग देख ही सकते हैं कैंट रेलवे स्टेशन पे, कितने लोग अपने ईद हम मनाने जो है जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब अफ्तार का टाइम भी होने लगा है, कुछ देर में अफ्तार भी होने वाली है, तो आइए कुछ जो है अपने लिए ले लेते हैं अफ्तार के लिए भी। आवाम का रश आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, कितनी आवाम जो है वो इस ट्रेन में बोर्ड होने के लिए जो है वो इंतज़ार कर रही थी इस ट्रेन का। तो दुआ है कि ये जो है अपनी मंजिल और खैर खैरियत से पहुँचे। तो इस तो दोस्तों, हमारी ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन से निकल गई है, रोज़ा अफ्तार हमने कर ली है ट्रेन के अंदर ही। तो दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं लांडी रेलवे स्टेशन की जानिब।
तो आइए अपनी जर्नी इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरी आज की जर्नी ईद स्पेशल ट्रेन में, और मैं जो है अभी इसमें बोर्ड हूँ। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ यहाँ से इजाज़त। मैं मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।